राम ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम ही राम, राम ही राम। कीर्तन मंडली सारी शिवनगर दी ऐ। अज अयोध्या दा साढ़े कलश आए न सारे शिवनगर बिच, तो और जिन्नी भी जनता लोग जितने भी हैं सारे बड़ी खुशी है। इन्नी खुशी है जियां अयोध्या च खुशी मनाई गई ना, इ'यां शिवनगर और कठुआ च मनाई जा रही है। और बड़ी चढ़ी है, दिक्खो अज मंदिर बिच साढ़ा जगमगा दा, इ'यां उसका दिवाली है अज, इन्नी खुशी है, बड़ी खुशी है। जियां दिवाली ऐ, जियां दिवाली दे थ्रू अस इ'यां इन्नी खुशी जाहर करा ने आं, राम राम दा गुंजन होआ दा ऐ, और दिक्खो इन्नी खुशी ना साढ़े भाई, शुक्र उस रब दा, एह् घड़ी एह् दिन मुड़ियै दिवाली साढ़े आस्तै आई ऐ। और अस मोदी जी शुभकामना दिन्ने आं, मतलब उन्हें मुबारखां दिन्ने आं, जिन्हें एह् दिन सानूं अज्ज दित्ता ऐ, एह् दिन सानूं दिक्खने आस्तै दित्ता ऐ, अस उं'दा बड़ा बड़ा शुक्र गुजार आं अस। धन्यवाद। अस उं'दा जेह्ड़ा नेईं सपोर्ट करदे न, अस उं'दा नेईं साथ देगे। जे साढ़े राम ही, साढ़े भगवान ही साढ़े अपने गोदी च रक्खने, अस उं'दे आस्तै सिर मत्थे जियां ओह् आखने अस राजी आं, अस उं'दे कन्नै साथ कदमो कदम अस उं'दे कन्नै चलने राजी आं। अस जय जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरे हिंदू समाज के लिए एक गर्व की बात है और खासकर हमारे सेवानगर निवासी जो आज अयोध्या का कलश लेकर इधर पधारे और रामचंद्र जी का जो 22 जनवरी को अयोध्या में उद्घाटन होने जा रहा है, इसके लिए हम हिंदू समाज ये गर्व करते हैं। काफ़ी कोशिश के बाद ये हमें एक मौका मिला कि हमारा लल्ला जो अपने स्थान पर प्रदान करने जा रहा है, इसके लिए हम ये क्रेडिट मान्य अपने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को देते हैं, जिनकी कोशिश से, जिनके डायरेक्शन से ये सारा जो है अयोध्या का जो मंदिर वो तैयार हुआ। सब लोगों ने इसके लिए कंट्रीब्यूशन की और इसके लिए हम उनके धन्यवादी हैं। और ये एक मौका है कि सारा हिंदू समाज एकजुट हो और उससे जो हमारे में जो हिंदू समाज हमारा डिवाइड हुआ है, हम चाहते हैं कि सब एक ही झंडे के तले इकट्ठे हों ताकि हिंदुस्तान में हिंदू जो है राष्ट्र एक ताकतवर राष्ट्र बने, जैसे कि और एक राम राज्य फैले। इसी से मैं लास्ट में यही कहूँगा कि हमारे सेवानगर निवासी जो हैं वो पहले से ही भगवान को याद करने वाले हैं। हमारी लेडीज जो है वो भगवान को याद करती हैं। हम इसके लिए धन्यवाद हैं, धन्यवादी हैं जिन्होंने ये स्टेप लेकर हमारे सेवानगर में हमें कर्ज लेकर यह मौका दिया। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे कि जो हमें डायरेक्शन मिली है कि उसके बाद 5 महल्ले में जो सेपरेट सेपरेट कल्च वो लेना है वो ले चलें, और जो श्रद्धा व श्रद्धा जो कंट्रीब्यूशन हमसे होगी उसको जरूर दान दें, ताकि अयोध्या में जो है भयस्पाक से सारा समाज और हिंदू समाज और भगवान श्री राम के आमंत्रित अक्षर आज हमारे शिवानगर कठुआ में बस्ती में आए हैं। तो बहुत ही ये सौभाग्यशाली बात है, जो 500 साल की जो गुलामी थी, जिस मंदिर को मीर बाकी ने 1528 में तोड़ा था, एक गुलामी का चिन्ह लगातार चल रहा था, तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों ने कितने बलिदान दिए हैं उस मंदिर के लिए, वो शुभ घड़ी आ गई है। अब 1964 से जब ये संघर्ष शुरू हुआ था, 1984 के बाद देखिए, उस 90 में कार सेवा हुई, 1992 में ये ढांचा गिरा गया, हमारे कार सेवक वहाँ पे शहीद हुए हैं। आज जाके अभी ये शुभ घड़ी आई है तो अंतिम शोर की ओर है। ये अभी इसके जो आए हैं अक्षत आए हैं, हर घर निमंत्रण जाएगा, उसके साथ अक्षत भी बांटे जाएंगे, हर घर का, भारत के हर घर का इसमें योगदान रहेगा। और भगवान रामलला जो है सभी को निमंत्रण दे रहे हैं, 28 फरवरी के बाद अयोध्या आइए और वहाँ के पट खुल जाएंगे। तो ये 22 जो जनवरी है वहाँ, उस वक्त वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होगी उस मंदिर की। तो मेरा सभी से निवेदन है कि हर मंदिर में दिवाली की तरह सजे, हर घर है 5 दीपक उस दिन जलें, और एक दिवाली की तरह पूरे भारत में ये कार्यक्रम हो, ऐसी उपेक्षा से हमें सभी से उम्मीद है कि ऐसा कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में देखने को मिले। राम आज बड़े ही हर्ष और उल्लास की बात सब शिवनगर वासियों के लिए है कि प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से अक्षत कलश जो आज शिवानगर में लाया गया है और 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान होंगे। जो प्रभु वर्षों से टेंट में बैठे थे, वो प्रभु श्री राम 22 जनवरी 2024 को अपने निवास स्थान में बैठे विराजमान करेंगे। उसी को लेकर पूरे देश भर में आज पूरा देश भर राम होया हुआ है, पूरा हर एक व्यक्ति के मुंह पर राम राम नाम है, उसी नाम को चलते हुए आज जो कलश है ये शिवानगर में आया है। और 26 तारीख को ये कलश जो अलग अलग हमारे धार्मिक स्थल है, मंदिर है, वहाँ पे जाएंगे और जो प्रभु श्री राम के नगरी अयोध्या से जो न्योता आया है वो न्योता घर घर जाके सब कार्यकर्ता सब लोग बांटेंगे। और प्रभु श्री राम का जो 22 जनवरी को
दीपावली जैसा माहौल हर एक मंदिर, हर एक वार्ड में होगा, हर एक घर में होगा। मैं लोगों से आग्रह करता हूँ कि ये बड़े हर्ष और उल्लास की बात हमारे लिए है। हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दे दी, हजारों ऐसी नजरें हैं जो बूढ़ी हो गई, यही देखते कि प्रभु श्री राम का मंदिर कब बनेगा। आज जो वो समय आया है, अब सम भक्तों का, हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि ये राम काज करने का जो सौभाग्य है वो सबको नहीं मिलता है। यदि हम सब लोग रल मिलकर प्रभु श्री राम के जो 22 तारीख को स्थापना होने जा रही उस कार्यक्रम में बब्बे बनाने होते, सब लोग रल मिलकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लें।